समाचार में रेणु राठौर के साथ आप देख रहे हैं आज की खबरें। आइए शुरू करते हैं खबरों का सफर। थाना कोतवाली क्षेत्र में बच्चों से भरे स्कूल वाहन के पलट जाने से हाहाकार मच गया, लेकिन हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। मौके पर तत्काल आला अधिकारी पहुंच गए, जिन्होंने स्कूली बच्चों को पलटे वाहन से बाहर निकालकर प्राथमिक उपचार कराया और वाहन को अपने कब्जे में ले लिया है। घटना थाना कोतवाली क्षेत्र के करहल रोड की है। यहां स्कूल की छुट्टी होने के बाद चंद्रशेखर आजाद स्कूल के बच्चों को लेकर स्कूल का वाहन संख्या UP84T6939 बच्चों को घर छोड़ने जा रही थी। जैसे ही यह वाहन सिंहपुरा नहर पार करने के बाद बनी आसरा आवास कॉलोनी के पास पहुंचा, वैसे ही यह वाहन अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे भरे पानी में जा गिरा। जैसे ही यह घटना हुई, पूरे इलाके में हाहाकार मच गया। यहां गुजरने वाले राहगीर और यहां के रहने वाले लोग घटना स्थल की तरफ दौड़ पड़े। सभी लोगों ने मिलकर पानी से बच्चों को बाहर निकाला। सूचना मिलते ही क्षेत्राधिकारी नगर अभय नारायण राय भी मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने तत्काल स्कूली बच्चों को पानी से बाहर निकलवाया। हालांकि इस हादसे में कोई बड़ी घटना नहीं हुई, लेकिन वाहन में सवार बच्चों को हल्की चोटें आई हैं, जिनको प्राथमिक उपचार देकर सकुशल घर छोड़ा गया है। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने स्कूल वाहन को अपने कब्जे में ले लिया है। वहीं दूसरी ओर घटना स्थल पर पहुंचे ARTO प्रवर्तन डॉक्टर कौशलेंद्र सिंह ने पूरी जांच पड़ताल करने के बाद दुर्घटनाग्रस्त स्कूल बस के चालक, वाहन स्वामी और स्कूल प्रबंधक के विरुद्ध जिला अधिकारी प्रमोद कुमार उपाध्याय व पुलिस अधीक्षक अजय शंकर राय के निर्देश पर कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत करा दिया है। जैसे ही इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिली कि एक स्कूल बस अर्चनपुर के आसपास आए हैं, तो खैर ईश्वर कृपा से कोई ऐसी अनहोनी नहीं हुई। बच्चे सुरक्षित निकल चुके, बच्चों को बाहर निकाल दिया गया था। एक उसी बीच असमंजस की स्थिति फंस गई कि उस नाले में भैंस पड़ी हुई थी, तो जो बस के नीचे आ गई थी उसको भी सुरक्षित निकाल लिया गया है। बस को भी क्रेन के सहारे निकाल लिया गया। किसी प्रकार की कोई अनहोनी नहीं है, कोई दुर्घटना नहीं घटी। बस यही ये 40 बच्चे इस स्कूल से आ रहे थे, और क्योंकि बरसात का समय है, सकड़ी जो ये सड़क है वो सकड़ी है, और सकड़ी सड़क होने की वजह से जहाँ से क्रॉस होना चाहिए था, क्रॉसिंग पर हो सकता है कि ड्राइवर के द्वारा इतना ध्यान से न क्रॉस किया गया, और इसकी वजह से बस से चार पहिया की सफ़ेद गाड़ी थी और बस आई कुएं थे। जैसे बस आई वैसे गाड़ी का नाम एकदम बहुत गाड़ी स्पीड पे ले आ रहे थे और जेव स्पीड पे ले आ रहे थे, दोनों लोग स्पीड पे गाड़ी लेते। मान लो एक लोगों को रोकना चाहिए थी, लेकिन इन्हें ना रोकी। मान लो बच्चा बैठे थे, तुम रोक लेते, इन्हें ना रोकी, गाड़ी आए गई पलटी, पानी बरस चुका। तो कितने बच्चे थे? बच्चे बस भरी थी गाड़ी, बच्चे कम से कम पूरी गाड़ी भरी थी। हाँ, 40-50 बच्चा आते। एक बच्चा हथेली में चोट आई और भैंस दबी है। हाँ, भैंस दबी, भैंस ना निकल पा रही। कैसे घटना हुई? उधर से एक गाड़ी आ रही थी और जो ड्राइवर का भैया थे उन्होंने वो गाड़ी बचाई, गाड़ी और ब्रेक लगाई, कोई बस उधर ऑन था, उसी में रफ्त की हुई चली गई। कितने बच्चे थे बस में? बस में लगने लगे 40 बच्चे। किसी की चोट वोट लगी? ना, थोड़ी बहुत चोट आई। क्या थे? बैंड मिलती क्या?